आज हम बनाने जा रहे हैं भेल भाल की सब्जी। तो देखिए, सबसे पहले इधर काबुली चना है, तो आधा किलो से ज़्यादा ये काबुली चना है। सब पूरा हम नहीं भिगाएंगे, थोड़ा लेंगे हिसाब से। और इसको चौले भाजी बोलते हैं, वो है चौले की है, मतलब आधा केजी से बंद करके। और इधर देखिए, इसको मटकी बोलते हैं, इसको हरा नून बोलते हैं। तो हम सबसे पहले जो काबुली चना है, इसमें से हम आधा से ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि दो काम में लेना है। इसमें से हम दो रेसिपी बनाएंगे, आधा उसमें ऐड करेंगे। तो अलग से भिगा लेंगे। ये चावल ज़्यादा दिन तक घर में नहीं टिकता है, लाने के बाद में क्या होता है, जल्दी नहीं बनाइएगा तो इसमें कीड़े लग जाते हैं। इसको जल्दी से बना करके ख़त्म करना है। 1 पाव किलो है, तो 1 पाव किलो ये भी हम भिगा देंगे, दो काम में ले लेंगे। इसको पूरा ऐड कर देंगे। देखिए जो कीड़ा है, ये सब निकल जाएगा, धो करके निकाल देंगे उसको हम बाद में। और आज अभी 6 बजे हैं, इससे हम कल बनाएंगे, मतलब आज नहीं बनाएंगे, आज से कल तक इसको भिगाएंगे पानी में, तो अच्छा भीग जाएगा। और इसमें से देखिए, इसमें से आधा ही लेंगे हम, ज़्यादा नहीं, आधा बाद में काम में आ जाएगा, ये नहीं खराब हुआ है। इसमें से भी आधा लेंगे। इस तरह से हाथ से मिक्स कर देना है सबको, तो जल्दी भीग जाएगा। इसको हम बाद में साफ करेंगे। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज देखिए, आज मैं बोली थी कि भेल भाल की सब्जी बनाऊंगी, तो भेल भाल सब्जी बनाना है। इधर मटकी है और मूंग है, दोनों मिक्स है। इसमें इसको धो करके अच्छे से छान लेना है। और इधर देखिए, चावले की भाजी आती वो है, ये भी अच्छे से भीग गया है। लेकिन आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है, दांत नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा कुकर में इसको उबाल लेना बेहतर, ये और ये काबुली चना को उबाल लेना बेहतर है। तो ये सब इसमें सब्जी में ऐड होगा। हम सब पूरा सब्जी नहीं लेंगे, कम कम लेंगे मतलब। और इधर देखिए, इसमें हम सब्जी भी ऐड करेंगे। तो 1 पाव किलो से कुछ कम ये आलू ली हूँ, आलू को छिल करके धो के काट लेना है। और 2 मीडियम साइज का शिमला ली हूँ, शिमला को काट लेना है इस तरह से। और 2 टमाटो है, और ये थोड़ा सा प्याज में ऐसे ही ली हूँ, मतलब टेस्ट के लिए कच्चा ऐड करना है उसमें, और पीस के भी आप बना सकते हैं। और इधर देखिए, बघार के लिए आधा प्याज है कटा हुआ, और थोड़ा सा लहसुन है क्रश किया हुआ, 4-5 हरी मिर्ची कटी हुई है, और ये सब्जी का मसाला है, ये मसाला ऐड होगा। अब यहाँ पर मसाले में देखिए, 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 2 छोटा चम्मच ये गरम मसाला पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच व्हाइट नमक है, थोड़ा सा काली मिर्च जीरा पिसा हुआ टेस्ट के लिए, और 1 चम्मच ये भुक्की मिर्ची पाउडर है। मिर्ची भी ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि ज़्यादा तीखा भी सब्जी अच्छा नहीं लगता खाने में। और इधर देखिए, इधर आज आटा भी मैं सान के रखी हूँ, मेरे हाथ की रोटी भी बनाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुकर में देखिए 1/2 लीटर पानी है। तो पानी में हम ये जो काबुली चना है, इसमें हम 2 रेसिपी बनाएंगे, इसको सिर्फ नमक से उबालना है। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, चौले की सब्जी है, तो इस सब्जी को हम थोड़ा, इसको भी उबाल लेंगे। तो इसको कैसा उबालना है, अलग अलग करना है, तो हम इसमें से सब्जी के हिसाब से ले लेंगे। और कि इसको हम कपड़े में बांध देंगे, कपड़े में बांध करके कुकर में ऐड कर देंगे और चढ़ा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से कपड़ा में बांधा हुआ, इसको इसमें डुबो देना है। और अब हम ढक्कन लगा देंगे, तो बड़ा चूल्हा पर हम चढ़ाएंगे। अभी देखिए, अभी 10 बजे है, तो इसको हम कम से कम 25 मिनट तक पकाएंगे, चूल्हा फास्ट रखेंगे यहाँ पर 1 सीटी आने तक का, बाद में कम कर देंगे। जो मूंग मटकी है, तो इसको आप सब्जी के हिसाब से मैं ले लूँगी, कितना सब्जी में लगेगा उतना ही। और बाकी के दूसरी रेसिपी के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। आप चाहे तो इसको कपड़े में बांध के रख दीजिए। तो इसमें देखिए, अभी से गोभी आ गया है, और भी अच्छा टेस्टी खाना बनता है। सब्जी के लिए देखिए, टोप चढ़ा दी, टोप गर्म हो गया है। तो यहाँ पर हम सब्जी भी ज़्यादा है, तो हम थोड़ा तेल भी हिसाब से लेंगे, 100 ग्राम तेल लेना है। 4 चम्मच तेल लेना है यहाँ पर। तेल अच्छा गर्म होने दीजिए। फोरन के लिए थोड़ा सा मेथी है, थोड़ा सा जीरा है, दोनों ऐड करेंगे आज। यहाँ पर जो कटा हुआ मसाला है, सब ऐड कर देंगे बघार के लिए।
थोड़ा सा हम हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी से ब्राउन कलर का बनना है, और थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आलू ऐड कर देंगे। प्याज ये भी ग्रेट कर देंगे आज, और ये जो मसाला है सभी मसाला यहीं पर ऐड कर देंगे। एक मिनट के लिए भूनेंगे। एक मिनट ढक्कन डाल के छोड़ देंगे। यहाँ पर एक सीटी हो गया है, तो थोड़ा चूल्हा यहाँ पर कम कर देंगे। और यहाँ देखिए आलू भी भून के हो गया। यहाँ पर हम जो सब्जी है मेरे पास उसको ऐड कर देंगे। शिमला है, टमाटर है, ये भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर देखिए सब्जी का मसाला है, तो मसाला हम प्लेट में निकाल लेंगे थोड़ा सा। और इसके आगे अब कोई मसाला नहीं जाएगा। और यहाँ पर देखिए मूंग है या मक्की है भीगा हुआ, तो इसको भी ऐड कर देंगे। मसालेदार बनाएंगे, थोड़ा रसेदार रहेगा आज। मसाला खुश बहुत अच्छी आ रही है, आप भी बनाइए, खाइए, ट्राई कीजिए कभी। अब यहाँ पर हम दो मिनट के लिए ढक्कन डाल के छोड़ देंगे। यहाँ पर सब्जी भून के हो गया है, तो सब्जी को हम थोड़ा सा साइड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पानी ही हूँ, इसमें मैंने लहसुन का रस करी थी, तो पाव किलो कम से कम पानी है। इधर एक हरी मिर्ची काट के रखी हूँ, इसे टेस्ट के लिए ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्टी खाना बन जाता है। पानी हम ऐड कर देंगे जब तक साइड में पानी गर्म हो जाएगा। दो मिनट के लिए ढक्कन डाल के और छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आटा भी छान के रखी थी, आज रोटी बनाना है, इसी में हम पराठा भी आपको बना के बताएंगे। तो इतना 4 4 8 1 9 9 फेरे हुए, इधर लोग तवा देखते हैं। आज देखिए आज तवा, आज तब मैं क्लीन की हूँ, मतलब साफ की हूँ, चूल्हा उल्हा सब तवा भी घर की हूँ, बहुत ही हो गया था। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही साफ हो गया आज। इसमें जब जर्मन का तवा घसते हैं ना आप, तो थोड़ा सा इसमें पकाने के पहले तेल लगा दीजिए, नहीं तो रोटी चिपकेगा, रोटी जल भी जाएगा, अच्छा भी नहीं बनेगा, ऐसा होता है। तो सबसे पहले इधर सब्जी देख लेते हैं। सब्जी भी देखिए माशाल्लाह पक गया है। तो अभी ये जो है इसमें मैं काबुली चना उबालने को रखी थी और चौले की भाजी थी, इसको हम फिलहाल उतार लेंगे थोड़ा, ये हो चुका है। सबसे पहले थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे, और मेरे पास बरस है, बरस से हम लगा देंगे पूरे तवे में, इससे बेहतर रोटी बनेगी। जब तक सब्जी हो रही है तो तब तक हम रोटी भी बना लेंगे, दोनों काम हो जाएगा। अब देखिए इसका भाप निकल गया है, तो हम यहाँ पर कितनी मिनट से देखिए इस तरह से भी आप पका सकते हैं दो चीज़ एक साथ में। कॉटन के कपड़े में भी आप चाहे तो इस तरह से बांध करके दो चीज़ है तो पका सकते हैं, पक गए अच्छे से देखिए। तो अब हम यहाँ पर से तुम पानी के साथ में हम आज मसालेदार सब्जी है, तो पानी के साथ में इसमें से काबुली चना इसमें हिसाब से ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। उबाल अच्छे से उबाल लेंगे। तो देखिए तवा गरम है, रोटी ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह सब्जी बनके तैयार हो गया, खुशबू भी अच्छी आ रही है,
और आज की रेसिपी है भेल भाल की सब्जी, मिक्स सब्जी। मतलब यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पर चूल्हा फास रखना है। रोटी का पराठा बना के बता देती हूँ। आप इसी आटे में से रोटी भी पराठा भी बना सकते हैं। और ये नमक, इसमें थोड़ा नमक भी ऐड की हूँ। थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिएगा तो रोटी भी अच्छा लगता है, पराठा भी अच्छा लगता है। वो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, अगर इंसान करना चाहे तो हर काम आसानी होता है, करने वाला चाहिए। तेल ऐड करेंगे, हाथ से ही लगाने के बाद तरह से बना लीजिए। पराठे भी बनके हो गए तैयार, तो इस तरह से बना लीजिए। अभी सिर्फ रोटी बनाऊंगी, पराठा नहीं बनाऊंगी। एक रोटी और है, पका लेंगे। देखिए, आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।